वेलकम बैक टू माय चैनल फिजा निके। तो यार आज हम फिर से एक नई सीरीज बनाने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की, जो कि एक अलग होने वाला है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली। यानी कि एंडर ड्रैगन मार देंगे, उसके बाद तो खत्म हो जाएगी अगर करना चाहूँगा मैं तो, वरना तो ये चलती रहेगी। ओके, तो हम अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे, ये होगा हमारा वर्ल्ड का नाम दुगु दुगु दुगु। ऐसे तो ये है ही नहीं, शो कोऑर्डिनेट्स कौन रखते हैं, मल्टीप्लेयर को अभी के लिए ऑफ। थैंक यू, मेरे इसमें कोई कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। तो 3, 2, 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जब 500 करोड़ सालों तक लोड होता है तब चेक करिए, आप लाइक को ठोक दीजिए, सब्सक्राइब को भी ठोक दीजिए, दोनों को मारिए। तो आपने कर दिया, थैंक्स भाई। क्या आदन नहीं किया तो कर दो यार, अभी 500 करोड़ सालों के बाद मिलते हैं गाइस। ओके बाय। इसकी माँ की आँख को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है थोड़ी। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे। गाइस आपको पता है मैं क्या बताऊँ, एक लीला मॉब यानी कि एक नीला मॉब, उसका मैं जुड़वा भाई हूँ। बस उसके पास हाथ नहीं है, मेरे पास हाथ है, तो इतना मैंने आपको दे दिया। तो हिंट तो आपको पता ही चल गया होगा भाई, बहुत खतरनाक है। ओके, सबसे पहला काम लकड़ियों को मार डालो, साला बहुत परेशान करती है ये। ये टूट जा। ओके, ये तो टूट गया। फिगी यू वांट डेट हाँ, ओ भाई साहब व्हाट अ लक, शीप को देख के लक नहीं मिला भाई। बाजू में देखो, ये है टाइगर बायोम, ये प्लेन बायोम, वहाँ पे ब्रिचूट की बायोम। खाना खाती है, शर्म नहीं आ रही तेरे को खाना खाने? तो इसकी माँ की आँख साला, ये फूल तीन तोड़ लो। क्योंकि भाई सामने है ब्लैक शिप, हाँ ये देखो एक ही वाइट है, तो उसके लिए हम ये इस फ्लावर का डाई बना के उसका बेड बना देंगे। वाइट डाई ढूंढ कर बेड को वाइट कर देंगे, करना चाहे तो। हाँ नहीं तो मस्त है, ये है ऑक्सीजन मर जाता। ओके, क्या हम उनको ग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो गाइस बेड का जुगाड़ होते हुए हमारा मजा गया। सम स्टोन कोल भाई साहब, वहाँ पे आयरन भी होगा भाई साहब, लकी स्पॉट। अबे तू ओपन हो ना भाई, काय करता, उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं माइनक्राफ्ट को मत उठाना भाई। ओके, एक हम अपना बेड बना लेते हैं, और बस मुझे अभी के लिए पिकैक्स ही चाहिए क्योंकि भाई सामने स्टोन है, तो हम स्टोन क्या बनाएंगे। गाइस ये इसको तोड़ो, क्योंकि ये रेड फ्लावर बना, ये रेड है ना, रेड पुप्पी, ठीक है, रेड टुपली, क्या है टुपली मुपली सुपली ना, मेरा डुपली पे मैं क्या फालतू जोक्स मार रहा हूँ, है ना गाइस। अगर आप पक गए हैं तो मत पकिए, वीडियो छोड़कर मत जाना यार गाइस। जो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना यार, कि यार ऐसी माइनक्राफ्ट और अलग अलग गेम्स के हम वीडियो बनाते रहेंगे। पहले तो हम माइनक्राफ्ट का थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यानी कि डायमंड वायमंड आ जाए ना, उसके बाद नहीं गेम चालू करेंगे। और अगर मैं आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूं
एक दिन माइनक्राफ्ट और एक दिन कोई दूसरी गेम। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन और कमेंट कर देना यार अगर आप चाहते हो। अगर गाइज आप नहीं भी करोगे ना तो मैं वैसे भी वही करने वाला था, क्योंकि यार एक एक चीज़ से आप लोग बोर हो जाते हो। और अगर मैं सर्वाइवल सीरीज़ को ऐसे ही करता तो क्या बोरिंग हो जाएगा कि ये ढूंढो वो ढूंढो। तो इससे अच्छा है कि हम रोज़ रोज़ अलग अलग नया नया कंटेंट डालते हैं। तो गाइज अभी से रेगुलर वीडियोस आएगी, क्योंकि भाई साहब और थोड़ा सा वीडियो सुबह को ही आएगी, क्योंकि सुबह या दोपहर तक आ जाएगी, क्योंकि भाई सुबह को यहाँ पे पास में एक क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ एक घर बना रहे हैं, तो उसका सारे दिन आवाज़ आते रहता है, कभी ढुर आवाज़ आते रहता है। तो यार उसमें मैं कैसे वीडियो बनाऊँ आप ही बताओ भाई। तो इसीलिए भाई मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ रात को। तो गाइस ये देख लो रात के बज रहे हैं, करीबन कितने बजे 53 हो गए हैं, 9:53 हो गए हैं। तो यार आप समझ रहे होंगे। और अगर गाइस कल वो मैं मेरे को बस ऐसा ट्राई करना है जितना हो सके उतना कि भाई मैं एक दिन में दो दो वीडियोस बना दूं और साथ ही साथ दोनों के पोस्ट भी कर दूं। अगर पोस्ट ना भी कर पाया तो दूसरे दिन अगर मेरे को कुछ तकलीफ आ गई, प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे जाने का हो गया, यानी कि रात को या दोपहर को कहीं पे जाने का हो गया, काम आ गया, तो गाइस मैं वही का वही वीडियो एडिट करके रख दूंगा और फिर दूसरे दिन डाल दूंगा, ताकि आप बोर ना हो गाइस। इसलिए भाई बहुत मेहनत लगती है भाई एडिटिंग में, कोई सौखा काम नहीं है और औखा काम भी नहीं है ये। भाई मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ? तो गाइज ऐसा कौन बोलता है ये मेरे को बताना, कोई यूट्यूबर तो बोल। अबे इसकी माँ की आँख, बे साला 42 कोल एक्सट्रैक्ट तो भाई इधर ही होगा। बे साला ये जावा नहीं है ना गाइस, सेफ्टी के लिए टॉर्च लगा देते हैं, नहीं तो मेरा भाई स्पॉन हो जाएगा। मैं अपने भाई को देखना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत बुरा है, फालतू का टॉर्च वेस्ट नहीं करने का, तो इसलिए मैं माइंड करूँ। प्लीज आयरन, प्लीज आयरन, एक मिनट, यहाँ पे स्पॉन आया क्या? कोई सेंस नहीं बनता भाई इस बात का। मेरे को तो कोई डर लग रहा है कि हीरो ब्राइन ना हो भाई सब। अगर हीरो ब्राइन हुआ भाई कंटेंट इनटू 100 हो जाएगा भाई साहब। यार पर नहीं यार, हीरो ब्राइन तो अभी निकल गया है, और जो जो लोग करते हैं ना कि हीरो ब्राइन है ना वर्ल्ड, वो भी मूड्स होते हैं। तो वे मैं तो मोड नहीं जाने वाला सच्ची गई साहब। मैं हमेशा से आपको वहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा, जहाँ पे अभी भी रिसोर्स पे अगर वो सब डाल सकते हैं ना वहाँ पे। लेकिन भैया सच्ची में क्या यार, मैंने इसको बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पर नहीं भाई साहब क्या परफेक्ट है। और मैं इसको कोल को तोड़ने नहीं वाला, ये स्टोन तोड़ के देख लेता हूँ। ये देखो, ये मेरे को पता था ये होने वाला है, ये स्टोन को तोड़ूंगा ना। भी ऊपर दिख रही थी सैन, अगर मैं अभी होता तो मेरी हड्डियाँ तक नहीं मिलती। अबे बे 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 ऊपर चढ़, देख क्या है मानुस रे तू। एक मिनट इसको फेंको, और एक मिनट गाइस आपने तो अभी तक देख लिया होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेंटरी खोल के दिखा। तो ये बना गाइस मैं, नहीं यार गाइस आज हम ब्लू बेड बनाएंगे, वो रेड फ्लावर को हम देते हैं फे 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 फेक। जा निकल भाई, तेरी अभी इस दुनिया को कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ पे डालूँ, ओके ब्लू डाई,
इसको यहाँ पे। ओके गाइस, अब वहाँ जाके मैं फॉर्नेस बनाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अच्छा, चिकन और फॉक्स। ओके, भी यहीं पे अपना बसेरा करते हैं थोड़ी देर। अबे बैटरी लो तो क्या हो गया? रात होने वाली है क्या? सूरज मामा डूब रहे हैं, सॉरी सूरज दादा। इसको यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे। गाइस मैंने बिल्कुल भी वुड नहीं काटी, सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल को काटा है। इसमें इसका सारा एचपी चला गया अभी इतना। तो सा खाना ले लेने का गाइस, खाना कभी नहीं छोड़ने का। फेंको वैसे, सो जा बेटा, सो जा, क्रीपर आ जाएगा। मैं अपने भाई को फिर से देखना नहीं चाहूँगा। थ्रोई इच्छियो, ये सारा डायलॉग ही ख़त्म करने नहीं दिया बे। गाइस मैं थोड़ी सी ये वाली वुड काट लेता हूँ, ये वाली नहीं यार, ये तो नहीं थी, और पूरा फ्लोट करेगा, लेकिन घर बनाने के लिए ही यूज़ करूँगा। तो अबे साला कंफ्यूजन होता है बे। एक तो गाइस इतने ऊंचे ऊंचे सूचे ट्री, भाई साहब ये तो, ये देखो ये हमेशा अटक जाता है। एक वुड की कीमत तुम क्या जानो, लीव्स उसमें से एक का चार निकलता है भाई। ओके, तो मोड़ते जाओ। तो गाइस मैं बहुत सारी वुड कलेक्ट करके फिर आप, तो गाइस ये देखो 64 वुड ये आ गए, और ये 3 वुड्स भाई बहुत बनेंगे भाई। ये सैपलिंग स्टिक्स उठा लो भाई, फोकट का माल कभी नहीं छोड़ने का। ओके तो गाइस इसका अगर हम प्लैंक्स बनाएं फिर कितना स्टैक निकलेंगे भाई, मैं भी देखना चाहूँ। शायद से 2-3-4 स्टैक्स निकलेंगे भाई, 4 स्टैक्स पक्का है। ओपी बोलते। ओके भाई वुड तो बहुत सारे जमा हो गए है। ओ माय गॉड 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 भाई, वी गॉड गॉड बोलते मैं गॉड के पास चला जाता भाई। लावा यार वहाँ पे, पहले तो भाई चेस्ट बनाओ। अरे अबे बे 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 भाई 34 चेस्ट बन सकते हैं, मेरे को तो बनानी ही नहीं है, क्या करूँ। पहले देखो करो, पचास सौ घंटे में ये बन चुका है। अभी हम डालेंगे कुक्ड पोर्क चॉप, यानी कि सबसे अच्छा फूड इसमें यही है, और गोल्डन एप्पल। तो गाइस यहाँ पे 3 फूड सबसे अच्छे हैं जो आपके यानी कि हंगर बार को जल्दी बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है एंशिएंटेड गोल्डन एप्पल, और दूसरा क्या था, हाँ सिर्फ गोल्डन एप्पल, और तीसरा है पोर्क चॉप, उसके नीचे चाचा जी और मामा जी। यहाँ पे कुक करो भाई, मेरी हंगर बार तो बिल्कुल भी नहीं है यार, अब क्या करें। आयरन कितना मिला है भाई, कितना है? 7 है। ओखाई 7 है ना, तो एक पिकैक्स बना लेता हूँ, तो 7-3 होंगे। ओके, एक स्वॉर्ड और एक तो ये बन ही जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, ये पिकैक्स। एक पिकैक्स चाहिए, और देखिए कितना आयरन बचा, 2, और एक शील्ड भी बना लेते हैं यार।
गाइस आयरन की अपने पास कोई कमी नहीं है। शिवलिंग कहाँ है अभी? ये रे यार, आयरन तो यहीं पे रास्ते पे पड़ा हुआ है, वो बताऊँ कैसे। तो गाइस जब आयरन की कमी पड़ी, नीचे डिग डाउन मत करना, माइन करो, कोई माइन शॉफ्ट बन शॉफ्ट तो मिल जाएगी, उसमें जाके करो भाई। कमी हो तो फिर अगर कहीं जॉब को भी सर्वाइवल में ये क्या बोलते हैं, आयरन की कमी पड़ती है ना आयरन, तो भी मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तो गाइस उस आइडिया के लिए अगर आपको उसको जानना है तो भैया आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है वेट। और वेट आप कैसे करोगे, यानी कि देखो मैं अगले आने वाले कुछ एपिसोड में एक ऐसी मशीन बनाऊंगा ना, आप बोलोगे तू तो आयरन फार्म बनाएगा भाई, वो तो मैं कभी भी बना सकता हूँ। गाइस आयरन फार्म तो मैं बनाऊंगा ही, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा आयरन फार्म, मैं कुछ और ही बनाऊंगा। तो गाइस ऐसा सोचना भी मत कि मैं अभी यूट्यूब का सर्च कर रहा हूँ टू मेक आयरन फार्म इन पॉकेट एडिशन, आप सर्च कर लो, बना भी लो, लेकिन उसके लिए बहुत सारा आइटम चाहिए। आप बना लो, यानी कि इतना बड़ा भी मत बनाओ, छोटा सा बनाओ, यानी छोटा सा तो बन नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो बताऊँ, जब तक आपको नेदरराइट वगैरह जब आप तक बनाते हो तब तक के लिए थोड़ा सा आयरन बचा लो ना, तब तक माइन में जाओ, उसके बाद भाई साहब क्या चीज़ है, मज़ा आ जाएगा, चिका चीकी चुकू चू, ओके मज़ा आ जाएगा। गाइस आप भी बोलोगे कि यार क्या मज़ा आ गया यार, क्या मस्त चीज़ है। और गाइस मेरे को एक फ़ायदा हो गया है कि यहाँ पे लावा लेक है, तो मैं यहाँ पे पानी डाल के इसको ऑब्सीडियन बना सकता हूँ, और बस 3 डायमंड मिल जाए, हमारा नेदर आ गया। उसके बाद क्या वो ढूंढेंगे, क्या बोलते हैं, नेदर राइड एशियन डिब्री। तो गाइस मैं आपको एक मस्त आइडिया बताऊँ, देखो मेरे हंगर बार अभी कुछ नहीं हुआ है, पहले इसको सांप को रख ही देवा, वरना तो भाई मरी जाएगा सारी आपकी, नहीं में एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए। कुछ पहना तो नहीं है नॉर्मल बार, ओके अभी ओके मैं फॉल डैमेज लेता हूँ, एक मिनट रुको। अबे इसकी माँ की आँख, ओके मेरे को इतना डैमेज पड़ेगा, ओके अभी आप इसको यानी कि डैमेज को हटाने के लिए फूड खाओगे, तो सारी रख दो चीज़ें बम करता कुछ जाओ लावर में। और हाँ रिस्पॉनिंग पॉइंट सेट रखना भाई, और ये मेरी हेल्पफुल स्टीव, क्या था स्टीव, ट्राइड टू स्विम इन लावा, ए मैं तो लावा में गई नहीं। एक मिनट यार मैं एक चीज़ करना भूल गया, वाटर बकेट बनाना, बकेट बनाना ही कोई बात नहीं, अगर हमको दो आयरन में भाई, यानी कि भाई देखो हम पहला एपिसोड में क्या होता है भाई, बंदा आता है वुड काटता है और बेड बेड बनाता है, शेल्टर बनाता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं शेल्टर बनाने के बाद उसमें तो छोटा सा बनाता है, और फिर उसको बड़ा करने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, फिर शेल्टर बनाते हैं फर्स्ट ऐसे अंडरग्राउंड कहीं पे, फिर 2-3 एपिसोड तक माइनिंग 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 जाता है और वुड कट करता है। तो भाई इससे अच्छा भाई साहब पहला एपिसोड में हमें आयरन पिकैक्स और स्वॉर्ड मिल गई है, तो मैं ऐसा क्या करूँगा पता है कि ऑफलाइन है ना, मैं एक माइन बना दूंगा, लेकिन उसमें आयरन वायरन मैं कुछ नहीं लूँगा भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ डायमंड वायमंड क्या भी मिले मैं कुछ नहीं लूँगा, सारा मैं माँ पे जगह रख दूँगा, यानी कि टॉर्चेस लगाते हुए रास्ता बना दूँगा, या फिर वहाँ पे स्टोन होता है ना उसकी जगह कोबल स्टोन लगा के मैं रास्ता बना, तो फिर आप जब वीडियो होगा ना मैं दूसरा एपिसोड करूँगा उसमें आपको दिखा दूँगा, तो भाई टाइम बचेगा और आप बोर भी नहीं होंगे माइनिंग माइनिंग माइनिंग,
और माइनिंग करने का एक सबसे अच्छा तरीका, मेरे पास आयरन सोर्ड तो आ गई है, तो मैं क्रीपर्स को मैं मारना चालू कर दूंगा। और उसके बाद सैंड चाहिए हमको, तो हम टीएनटी बनाएंगे। तो गाइस आपको तो पता है टीएनटी से अगर हम और होता है ना जो, और उसको जैसे कि हम क्या बोलते हैं डायमंड पे टीएनटी आ जाएगा तो डायमंड फूट जाएगा ना, तो डायमंड रहेगा वो। आप ऐसा मत समझना कि टीएनटी सब कुछ ब्लास्ट करना होता है, आधा ब्लॉक तो देता भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है गाइस। ऐसा हम टीएनटी माइन करूँगा मैं, पहले तो एकदम नीचे चला जाऊँगा 12th लेवल पे। उसके बाद सारे लोग जैसे एशियन डिब्रिज ढूंढते हैं ना, वैसे मैं वो क्या बोलते हैं डायमंड ढूंढूंगा। तो मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, एक मिनट ऐसे नहीं करेंगे भाई, मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।